अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, अभी सब आ रहे हैं। क्या बात है, आज कोई ऑनलाइन ही नहीं आ रहा। 108 स्टूडेंट्स हो और अभी तक सिर्फ 40 आए हैं। सोए हुए आज का लेक्चर छोटा सा ही है, बस 10-15 स्लाइड्स हैं और दो तीन ही हमने टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें छोटा सा ही टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं अटेंडेंस भी क्लास में ही लूंगी। एक दो चीजें डिस्कस करेंगे कि अपने असेसमेंट से रिलेटेड और ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें कुछ करेंगे। तो लेक्चर फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा लेक्चर है। और कुछ शहजादे अभी तक आ ही नहीं रहे, मैं कह रही हूँ आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक एक मिनट और, 9:05 में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अगर हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड की बात करें तो ये मेजर हमारे पास जो कॉमन सिम्टम्स के साथ पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है ना, वो स्प्रेन और स्ट्रेन के साथ आता है। जो ज्यादातर स्पोर्ट्समैन के बंदे होते हैं या एथलीट्स होते हैं या जिनका काम इस तरह का होता है, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है कि उनको स्प्रेन आ जाए या स्ट्रेन आ जाए। ये वर्ड आपने सुना ही होगा कि आपको स्ट्रेन आ गया, आपको स्प्रेन हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है और उसके अंदर ये किन किन के अंदर कॉमन होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये आज का टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, इसलिए मैंने याद रखा था कि आज जो कुछ बातें डिस्कस करनी है। सिर्फ इसकी 15 स्लाइड्स हैं, एक तो हो भी गई है, ठीक है। बेसिकली स्प्रेन एंड स्ट्रेन आर अमंग द मोस्ट कॉमन इंजरीज इन स्पोर्ट्स। और ये स्प्रेन और स्ट्रेन को याद करने के लिए ना मैंने तो एक वो रखा हुआ है कि जिसके अंदर टी आ रहा है, दैट मींस स्प्रेन इज, जो स्ट्रेन है ना
वो किसका होता है? टीयर वो होता है टेंडन्स का या मसल का? जो स्प्रेन है इसके अंदर टी नहीं आ रहा, टेंडन नहीं है इसके अंदर, तो दैट मीन्स ये लिगामेंट का है। ठीक है, इतना इजी है ये याद करना। तो बेसिकली स्प्रेन क्या है? तो स्प्रेन इज अ स्ट्रेच और टीयर ऑफ अ लिगामेंट। ठीक है, जो हमारे पास लिगामेंट्स है उनका क्या काम होता है? दे कनेक्ट द बोन। ठीक, तो किस मटेरियल से बने होते हैं? दे आर द फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये बोन को जो है ना ज्वाइन करता है। लिगामेंट्स जो है अगर टीयर हो जाते हैं या उसके अंदर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो पेशेंट कंप्लेन किसके साथ करेगा? दे कंप्लेन द स्प्रेन। स्प्रेन इज द स्ट्रेच और अ टीयर ऑफ अ लिगामेंट। तो लिगामेंट्स का बेसिकली काम क्या होता है? दे स्टेबिलाइज एंड सपोर्ट्स द बॉडीज जॉइंट, जहां पर भी जॉइंट्स है उनके साथ लिगामेंट्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिगामेंट्स इन द नी कनेक्ट्स द अपर लेग विद द लोअर लेग, इनेबलिंग द पीपल टू वॉक एंड रन। इसी तरह स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द इंजरी ऑफ द मसल और अ टेंडन। Tendons are the fibrous cords of tissues that attach muscle to the bone. ठीक, इसमें क्या क्या याद करने वाला है? What is sprain? उसकी definition. What is strain? उसकी definition. ठीक है, ठीक है. Tendons are made up of which connective tissues? And जो tendons है वो. Then उसके बाद क्या इनका काम है? Ligaments जो है वो क्या करते हैं? Ligaments unites the बोन्स, उनको बोन्स को आपस में जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे हमें लिगामेंट्स नजर आएंगे, वो बोन्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक, उसके अलावा टेंडन्स का क्या काम है? दीज आर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द मसल्स, और जो वो है वो क्या करते हैं? मसल से आगे टेंडन में बनते हैं, और जो टेंडन है वो आगे ज्वाइन करता है बोन के साथ। तो इनका क्या काम हुआ? द मसल्स आर अटैच विद द टेंडन्स विद द बोन। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट कॉजेस स्प्रेन एंड स्ट्रेन। अभी मैंने बताया कि जो इंजरीज, ये तो होगी ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरीज हैं कुछ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अ पेशेंट कैन फॉल, अ ब्लो टू द बॉडी। ठीक है, जो हमारे जॉइंट को डिसलोकेट कर ले या उसकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर दे, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्वेयर केसेस रप्चर्स द सपोर्टिंग लिगामेंट्स। इन सारे केसेस के अंदर क्या होगा? जो लिगामेंट्स है वो रप्चर हो सकते हैं, टीयर हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर कोई स्वेलिंग हो सकती है, so that can cause a sprain. Typically this injury occurs when an individual lands on an outstretched arm, jumps up and lands on the side of the foot or run on an uneven surface. ये तो आपको पता ही है कि ऐसी मतलब कोई भी activity जिसकी वजह से आपके joint affect कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका joint dislocate हो सकता है, और joint के साथ ligaments होते हैं, जब वो joint dislocate करेगा ऑब्वियसली वो हमारे लिगामेंट्स को रप्चर कर सकता है या उनको टीयर कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेन क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेन, बेसिकली स्ट्रेन क्या था? वो था रप्चर या फिर हमारा जो टीयर था किसका? टेंडन्स का। तो टेंडन्स आर अटैच विद द मसल्स, तो क्रॉनिक स्ट्रेन जो होते हैं ना वो क्रॉनिक है, क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो वो मसल जो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर मसल्स का रेपिटेशन बहुत ज्यादा यूज है, उनको बार बार हम लोग कुछ ऐसे काम होते हैं, जिस तरह कुछ ऐसे लेबर्स हैं जिन्होंने हैमर का काम बहुत ज्यादा करना होता है, मैंने देखे हैं। ठीक है, तो वो हैमर का काम कर करके उनकी रेपिटेशन मूवमेंट है एक ही, वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन या एक ही मूवमेंट को बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड, उससे क्या हो सकता है? उनको क्रॉनिक स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, इनएडिक्वेट रेस्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रेसिपिटेट्स अ स्ट्रेन। फिर आ गया एक्यूट स्ट्रेन। एक्यूट स्ट्रेन जो है वो किसी भी इंजरी, कोई ट्रॉमा, कोई ओवर स्ट्रेचिंग, कोई एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रेक्शन, उसकी वजह से जो है वो एक्यूट आ सकता है। क्रॉनिक तो आपको पता है ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है, क्रॉनिक हो गया हुआ है कोई एक ही टाइम एक ही पोजिशन में हम लोगों ने अपने मसल का रेपिटेशन करवाया है, ऐसा काम किया है जो कि बहुत टाइम तक हमारे उस मसल को उसने रप्चर कर दिया। और एक्यूट तो कह सकते हैं उसी टाइम पे कोई डायरेक्ट कोई इंजरी हुई है, कोई ओवर स्ट्रेचिंग हुई है, जिसकी वजह से आपका जो टेंडन है वो रप्चर हो गया। अच्छा, किन के अंदर जो है वो स्प्रेन और स्ट्रेन हो सकता है? अभी जिस तरह मैंने बताया कि जो जिनका एक्चुअली काम ये है, जिन्होंने मसल्स की रेपिटेशन करनी है या मसल्स का काम करना है, कुछ एक्सरसाइजेस लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, मसल्स की वही एक ही मसल जो है बार बार वही यूज हो रहा है उनका। ठीक, उसके अलावा एथलीट्स जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है मसल्स, और उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, आप क्रिकेटर्स हो गए, ये हॉकी प्लेयर्स हो गए, जितने भी आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर आपके कॉमन होती है ये स्प्रेन और स्ट्रेन की इंजरीज। ठीक हो गया, पीपल एट द रिस्क फॉर द इंजरी हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स, आर ओवरवेट एंड आर इन पुअर फिजिकल कंडीशन।
अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ट्रॉमा तो नहीं है, लेकिन आप इतने ज्यादा वो ओवरवेट हो गए हैं, ठीक है, उसके अलावा उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो, फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, उनमें भी ऐसा हो सकता है कि उनकी जो है ना स्प्रेन या स्ट्रेन हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर फिजिकल एक्टिविटी, पुअर फिजिकल कंडीशन या ओवरवेट, ठीक हो गया. What activities make athletes more susceptible to the sprain and strain? अभी मैंने बताया है कि वही जो exercises बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वही जो sports के लोग हैं, even walking carrying a risk of the sprain, ठीक. इसके अलावा हमारे पास basketball, volleyball, soccer, ये जितनी भी हमारे पास activities है ना, इन सब के अंदर ये पूरी activities लिखी हुई हैं, इन सब के अंदर जो physical activities extensive बहुत ज़्यादा use हो रही हैं, उनके अंदर हमारे चांसेस हैं कि वो हमारे मसल्स को या फिर हमारे लिगामेंट्स को रप्चर कर सकते हैं. पेशेंट किन साइंस के साथ आएगा, क्या कंप्लेंट्स होंगी पेशेंट की, ठीक है, एक तो सबसे पहला, सबसे जो कॉमन है वो तो आएगा पेन के साथ आएगा, भाई हमें इस जगह पे पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रूजिंग नजर आएगी, अगर उसका लिगामेंट जो है वो रप्चर हो गया तो हमें वहां पे ब्रूजिंग नजर आ सकती है, टियर आया उसकी वजह से ब्रूजिंग नजर आ सकती है. फिर उसके बाद swelling and inflammation are common to all three categories of the sprain. Mild, moderate, severe, तीनों अगर होंगी तो इसके अंदर हमारे पास ये जो signs हैं ये तो common है ही है, pain, bruising, swelling and inflammation. ठीक हो गया. फिर आ गया individual will usually feel a tear or a pop in the joint. A severe sprain. अब हमें नहीं पता कि आया उसका tear हुआ भी है कि नहीं हुआ, वो तो हमें visualize करने पे ही पता चलेगा कि आया इसका full tear है, partial tear है, ठीक है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट टीयर्स तो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर नी का जब पढ़ेंगे ना. फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टीयर्स होते हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं, ठीक है, तो वो तो हम लोगों को विजुअलाइज करने पे ही पता चलता है कि आया टीयर आया है या कोई इन्फ्लेमेशन हुई है. पेशेंट तो हर दफा जब भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ आएगा वो पेन के साथ या स्वेलिंग के साथ, इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसके साथ तो आएगा ही आएगा. देन हमें कैसे पता चलेगा कि इसको स्प्रेन है या फिर इसको कोई इंफ्लेमेशन हो गई हुई है, ठीक है, जॉइंट की इंफ्लेमेशन भी हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना पेशेंट इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है, अदर देन ब्रूजिंग, ब्रूजिंग नहीं होगी, बस पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आ सकती है. ब्रूजिंग हुई है दैट मीन उसको कोई ट्रॉमा है, चोट लगी है जिसकी वजह से अब हमें है कि चांसेस उसके कि कोई टीयर हो सकता है उसका लिगामेंट या फिर उसका टेंडन टीयर हो सकता है, ब्रूजिंग हो चुकी हुई है, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है व्हाट आर द साइंस ऑफ स्प्रेन. स्प्रेन क्या है, व्हाट क्या वीकनेस, मसल्स का रप्चर होना, मसल्स का टियर होना, मसल्स और टेंडन्स का, ठीक है, तो इसके क्या साइन होंगे. मसल्स है तो मसल्स के साथ पेशेंट आ सकता है तो मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है, मसल की वीकनेस हो सकती है, वहां पर उसको स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है या क्रैम्पिंग हो सकती है. वो वाले हम जैसे लोग जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की होती या इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की होती फिजिकल काफी टाइम के बाद करें तो आपको पता है ना वो मसल्स के अंदर कैसे क्रैम्प्स हमें फील होते हैं, ठीक है, और वही रेपिटेटिव हम लोग काफी टाइम बाद वही करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मसल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा स्पैज्म हो जाता है, तो क्रैम्प इतने ज्यादा पड़ जाते हैं आपको पता ही है ना. फिर अगर उसी एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए हम कंटिन्यू करें तो जाके हमें कुछ वो जगह पे क्या कहते हैं ना वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद ठीक होते हैं, अदरवाइज जो है हम काफी टाइम बाद कोई एक्टिविटी करें तो इसी तरह का हमें स्ट्रेन आता है, मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग, वीकनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ठीक हो गया. अच्छा बैक स्ट्रेन क्या होता है, जो कि हमारे स्पाइन के मसल्स हैं जो कि हमें सपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसके अंदर ट्विस्ट हो गया है, कोई टर्न हो गया है तो वो हमारे पास बैक स्ट्रेन जो है ना कॉज कर सकता है. अब ये किन में होता है, ये भी ज्यादातर एथलीट जिनका अब बैक मतलब के हमारे पास स्पाइन का काम बहुत ज्यादा है, अब वो कौन कौन से हैं, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल उसमें क्या होता है, या हॉकी भी हो सकता है इसके अंदर, उसमें क्या होता है कि आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा यूज हो रही है, आपने झुकना है, आपने उठना है, आपने झुकना है, आपने उठना है, उसके उसके अंदर जो आपके बैक के मसल्स है ना वो बहुत ज्यादा उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है. इसी तरह जो मैं कॉमन स्ट्रेन्स बता रही हूँ उसके अलावा हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के जो है ना वो बहुत कॉमन है स्ट्रेन होना. हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे बैक ऑफ द थाई पे जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ठीक है, वो क्या है, द इंजरी कैन साइडलाइन अ पर्सन फॉर अप टू 6 मंथ, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेन, एंड इट कॉजेज द मसल स्ट्रेंथ इनबैलेंस बिटवीन द हैमस्ट्रिंग एंड द मसल इन फ्रंट ऑफ द थाई, द क्वाड्रिसेप मसल्स जो कि हमारे आगे फ्रंट ऑफ द थाई पे क्वाड्रिसेप मसल्स, ठीक. फिर इस ये किनमें है, किनमें कॉमन है हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेन,
किकिंग अ फुटबॉल, रनिंग, जो कि हमारे लेग की यूज जिनमें ज्यादा हो रहा है उसमें हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेन बहुत कम है। अच्छा, अब ये हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेन या स्ट्रेन के अंदर? सबसे पहला रेस्ट, देन आइसिंग, क्योंकि जो है कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन को हम लोग कभी भी काम डाउन करने के लिए आइसिंग यूज करते हैं। देन हमारे पास कुछ कंप्रेशन पैड्स यूज किए जाते हैं, ये फिजियोथेरेपी वाले आपको बेहतर ट्रीटमेंट्स जो है ना वो फिजियोथेरेपी वाले ही आपको अच्छा बेहतर बता सकते हैं। और हम लोगों ने सिर्फ मेन में नहीं बस देखना है कि ये चीज़ों से इसका ट्रीट किया जा सकता है, हमने सिर्फ इसकी इमेजिंग करनी है, बट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्प्रेन एंड व्हाट इज स्ट्रेन। आपके पास जो पेशेंट है किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है तो यू कैन से कि इसको स्ट्रेन या स्प्रेन हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि इसका टियर हो जाता है। ठीक है, ये जो आगे ट्रीटमेंट है बस आपको कॉमन पता होना चाहिए, अदरवाइज जो मस्कुलोस्केलेटल का ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी वाले करते हैं, उनका काम ही। ठीक है, अच्छा, आइसिंग कंप्रेशन एंड एलिवेशन यूजुअली विल हेल्प मिनिमाइज द डैमेज। इट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल माइल्ड केसेस फॉर द डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर टू इवैल्यूएट द इंजरी एंड एस्टैब्लिश अ ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्लान। अब ये इनकी थेरेपीज कुछ होती हैं, कुछ जो है वो कुछ मशीन के साथ थेरेपीज करते हैं, वो उन्हीं को पता है कि किन प्रॉब्लम के लिए किस तरह के थेरेपीज करते हैं। ठीक है, किसी के लिए हमें एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड होती है, किसी के लिए हमें मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, किसी के लिए वो लोग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, हीट उसको देते हैं। ठीक है, किसी के लिए कुछ रिक्वायर्ड होता है तो वो बेहतर बता सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इनको क्या क्या पॉसिबल चीजें। Prevention tips: No one is immune to sprain and strain, but here are some tips developed by the American Academy of Orthopedic Surgeons to help reduce your injury risk. Participate in a conditioning program to build muscle strength. Do stretching exercises daily. Always wear properly fitting shoes. Nourish your muscles by eating a well-balanced diet. Warm up before any sports activity, including practice. Use a wear protective equipment appropriate for that sport. Wear prevention hai. आपको स्प्रेन और स्ट्रेन के लिए आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को भी फिट रखें, अगर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो ये चीजों का ख्याल रखें। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी स्प्रेन और स्ट्रेन नहीं होता, होता है तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर दूंगी। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी वालों से करवा दूंगी। ओके, आज का लेक्चर हमारा कम्प्लीट हो गया है, छोटा सा लेक्चर था स्प्रेन और स्ट्रेन से। आप हमारे पास 92 देखो आ गए हैं जब लेक्चर खत्म हो गया है, आधों ने सुना है आधों ने नहीं सुना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आप लोग क्वेश्चन करो, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाती हूँ साथ में। ठीक है, ये आमिर शौकत आ ही नहीं रहा, हूँ इस आमिर शौकत से लास्ट के दो लेक्चर्स दिए ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं बैक स्ट्रेन फिर से बता दें, क्या चीज? बैक स्ट्रेन। नेक्स्ट मैम, बैक स्ट्रेन आपने बताया है, बैक स्ट्रेन समझ नहीं आई मुझे आपके पास, लिख दो, मैसेज कर दो मैम, बैक स्ट्रेन कह रहा है। बैक स्ट्रेन, बैक मैंने बताया था कि जो हमारे बैक के मसल्स है ना, जो बैक जो हमारी स्पाइन को सपोर्ट कर रहे हैं मसल्स, उनके अंदर अगर इंजरीज होती हैं तो उसको बैक स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन सा यूज है जिसके अंदर हम लोगों का बैक यूज हो रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं? अब देखे ना, आपने बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जो खेल रहे होते हैं, उन्होंने बॉल को कभी झुकना है, कभी ऊपर की तरफ को उठना है। ठीक है, उनकी जो बैक है ना वो बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक, इसके अलावा हॉकी प्लेयर्स के अंदर भी यही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा झुकना है, उनकी बैक के मसल्स जो है ना वो उनके अंदर चांसेस है कि वो उनमें प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, अच्छा, आमिर शौकत नहीं है। ओके मैम।
कौन बोला? मैम सदीका मैम, मुझे इसके लेक्चर वन की रो शो ही नहीं हो रही है LMS Moodle पे, और मेरी सेंचुरी की एब्सेंट लगी हुई है जबकि मैं तो प्रेजेंट थी। सादिका शहजादी, क्या आपका एब्सेंट लगी हुई है और आप प्रेजेंट थी? यस मैम, और लेक्चर वन की रो शो ही नहीं हो रही। लेक्चर वन में आप रजिस्टर्ड ही नहीं थी, ये जो लाइन आपको आ रही है ना नजर, ठीक है, लेक्चर वन तक आप रजिस्टर्ड ही नहीं थी, ना एब्सेंट लग सकती थी ना प्रेजेंट, ठीक है, ये तो आप छोड़ दो इसको। लास्ट लेक्चर का मैं देख लेती हूँ, प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी। प्लस कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 15 मिनट से कम के लिए प्रेजेंट होते हैं, वो 15 मिनट से कम जो प्रेजेंट होते हैं ना उनकी एब्सेंट ही लगती है, वो भी मैं चेक कर लूंगी। अगर आप प्रेजेंट थी तो कम टाइम के लिए तो नहीं थी, ठीक है। ओके मैम, लेकिन मैं 19 to 9:18 क्लास में एंटर हो चुकी थी। पता नहीं फिर वैसे मैं जो हमारे पास आती है ना जूम की सारे, उसी से मैं देखे लगाती होती हूँ जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अभी अब्दुल सबूर प्रेजेंट मैम, नान जाहिद प्रेजेंट है, एमन रिजवी प्रेजेंट, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, आलिया शहबाज प्रेजेंट मैम, अल्लाह नवाज प्रेजेंट मैम। अच्छा, अमीर हमजा प्रेजेंट है? अमीर हमजा नहीं है ना? अच्छा, लास्ट लेक्चर में शायद ये था, इसका ना मैं प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखो इसका ब्लॉक है पोर्टल, ये भी अपना जिन इनके ब्लॉक होते हैं ना वो देख लिया अगर इनके अटेंडेंस नहीं लगती वो क्लास में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, देन अमारा यासीन, नो, आमना ताहिर प्रेजेंट मैम, ये भी मसला आता है प्रेजेंट कोई बोलता है पता नहीं चलता। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट के बाद है अनम नासिर, यस मैम प्रेजेंट, अनम तारिक, अनीजा आसिम प्रेजेंट, अरीना चौधरी प्रेजेंट, आसिफ अली प्रेजेंट मैम, जातिका मरियम प्रेजेंट मैम, आयशा प्रेजेंट मैम, इस्मा आसिफ प्रेजेंट मैम, इस्मा लतीफ प्रेजेंट, दाऊद प्रेजेंट मैम, एहतिशामुल्ला प्रेजेंट मैम, फायका शहजादी फायका की मुझे ईमेल आई हुई थी कि मैं जो हूँ रजिस्टर्ड नहीं हूँ, उसका नाम भी आ रहा है प्रेजेंट भी होती है, LMS पे कैसे, LMS पे भी मैंने चेक किया है नहीं है। फाफरा प्रेजेंट मैम, मैम हाँ जी, आप फाइका बोलिए मैम, मेरा म्यूट नहीं था हो रहा। हाँ जी मैम, फाइका आपकी ईमेल आई थी मुझे कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो इसके अंदर, तो आप LMS पे भी हो यहाँ पे भी हो, दोनों जगहों पे मैंने चेक किया है आप हो। मैम मेरे सब सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे हो रहा है कि टीचर्स कहते हैं मैं इनरोल हूँ और मैं इनरोल वाकई होती हूँ, लेकिन वो जब अगेन मुझे इनरोल करते हैं तो फिर तब मुझे शो होता है। अच्छा नहीं, मेरे पास तो हो आप दोनों जगहों पे, LMS पे भी और एक होटल पे भी आ रहा है। मैम एक दफा काइंडली आप दोबारा करिएगा तो फिर मुझे तब शो होगा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ भी कल ऐसे हुए तो सर ने मुझे गेन किया तो हो गया मुझे। अच्छा
नहीं अभी आपने एलएमएस पे गए थे, आपने अपना लिंक को ज्वाइन किया है ना वहाँ पे, तो इजी आपको हो गया ना एलएमएस पे, तो आप आ रहे हो मेरे पास। नहीं मैंने व्हाट्सएप से, मैंने व्हाट्सएप से लिंक ज्वाइन किया, मतलब व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया था। ये देखो मेरे पास आप एलएमएस पे हो, ये एलएमएस पे मेरे पास लिस्ट है एफ, ये देखो मेरे पास एलएमएस खुला हुआ है, आप मेरे पास हो। फिर जब मुझे अलग से किया तो मुझे तब शॉक हुआ था। चलो मैं इसको चेक कर लूंगी दोबारा से, आपको करके ना देखते हैं। प्रेजेंट मैम। फरवा अमीन। फातिमा खान। प्रेजेंट मैम। फातिमा अहमद। प्रेजेंट मैम। फिजा असलम। प्रेजेंट मैम। हिना एजाज। प्रेजेंट मैम। हिना खालिद। प्रेजेंट मैम। हिना तारिक। प्रेजेंट मैम। हुमा कंवल। प्रेजेंट मैम। हुसैन आसिफ। अच्छा इरम सईद। मैम अनम तारिक प्रेजेंट मैम, मेरी लाइट आ जा रही है, मैं कनेक्ट करती हूँ बार बार। क्या हुआ है मैम? मेरी लाइट का इशू है रात से। अच्छा अनम तारिक। हुसैन आसिफ नहीं है। मैम हमारा यहाँ से ये नेटवर्क थोड़ा सा ना वीक हुआ हुआ है। जबेलिया शहजादी। प्रेजेंट मैम। ये कौन बोला है? यस मैम जबेलिया। ये तो मैम मुना बोल रही है। नो मैम सॉरी, मेरी बहन का अकाउंट ओपन हुआ है, सॉरी मैम। आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही आप लोग, इसीलिए तो मैं साथ साथ देख रही हूँ किसका माइक ऑन है। जबेलिया कौन है? यस मैम मैं ही हूँ, मेरी बहन का अकाउंट ओपन हुआ है, सॉरी। क्या मतलब? यस मैम मैं जबेलिया हूँ, लेकिन वो उसकी भी क्लासेस होती है ना, तो इस वजह से उसका उसने अपना अकाउंट ओपन कर लिया था। शाबाश, मतलब मैमुना नहीं है यहाँ पे हमारी क्लास में। यस मैम वो है ही। नो मैम वो है ही। समझ नहीं आ रही मुझे, मैमुना भी है और जबेलिया भी है और दोनों एक ही अकाउंट से हो आप? नो मैम वो है ही, हमारी क्लास में नहीं है वो। वो क्लास में नहीं है? यस मैम नहीं। अपना अकाउंट कहाँ पे? आप अपने अकाउंट से क्यों नहीं आए? यस मैम वो मुझे चेंज करना भूल गया, मैं बाद में चेंज कर दूँ। बहुत अच्छा, सॉरी मैम। प्रेजेंट मैम। कश्यप मकसूद। प्रेजेंट मैम। कश्यप साहिब। प्रेजेंट मैम। नतीजा नवाज। प्रेजेंट मैम। किरण रानी। नारेब जिया। महादीप। महा तो सामने नजर आ रही है। माहम जाहिद। प्रेजेंट मैम। माहीन आसिफ। प्रेजेंट मैम। माहीन जफर। प्रेजेंट मैम। महनूर साजिद।
प्रेजेंट मैम. मारूफ मतीउर रहमान. प्रेजेंट मैम. मारूफ दोबारा बोलो. मैम प्रेजेंट. मारूफ मतीउर रहमान. मलाइका ताहिर. मैम प्रेजेंट मैम. हाँ जी कौन बोला? प्रेजेंट मैम. महावीर. सॉरी मेरा नेटवर्क इशू था तो आप नजर आ गई थी मुझे सामने तो मैंने आपकी लगा दी है. जी मैंने अटेंडेंस बोला नहीं था. हाँ वो मुझे आपके ओके. थैंक यू मैम. अच्छा मलीहा मरियम. प्रेजेंट मैम. मलाइका नदीम. प्रेजेंट मैम. मैमूना तारिक. प्रेजेंट मैम. मारिया फातिमा. प्रेजेंट मैम. मारिया कमर. प्रेजेंट मैम. मासूमा सज्जाद. प्रेजेंट. मायदा रफीक. प्रेजेंट. मोमिना अब्दुल कुद्दूस. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद अरशद. प्रेजेंट. मोहम्मद आमिर. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद अरसलान. यस मैम. अरसलान दोबारा बोलो. यस मैम. अच्छा मोहम्मद अवैस नासिर. मोहम्मद हामिद. प्रेजेंट मैम. मोहम्मद काशिफ. यस मैम. मोहम्मद नासिर मलिक. मोहम्मद राफे. प्रेजेंट. मोहम्मद उस्मान. प्रेजेंट. मोहम्मद यासीन. प्रेजेंट. मुहिरा दिलशाद. प्रेजेंट मैम. मुकद्दस अनफाल. प्रेजेंट मैम. नादिर हुसैन. यस मैम. निम्रा नौरीन. प्रेजेंट मैम. निम्रा शहबाज. नुदरत नूर. प्रेजेंट मैम. राबिया अल्ला रखा. प्रेजेंट मैम. रालीसा अनम. राजिया अहमद. प्रेजेंट मैम. रहमा सुहेल. प्रेजेंट मैम. रिजवान अली. प्रेजेंट मैम. रोहिना मुजफ्फर. रोहिना है. यस मैम. प्रेजेंट. सादिका शहजादी. सफा नूर. प्रेजेंट मैम. सामिया शाहिद. प्रेजेंट मैम. सना हबीब. प्रेजेंट मैम. सारा अनवर. प्रेजेंट मैम. सीमा फयाज. प्रेजेंट. सहर नदीम. प्रेजेंट मैम. शहर बानो. सुमाइला कंवर. प्रेजेंट मैम. सिद्रा. प्रेजेंट मैम. सिद्रा शहजाद. प्रेजेंट मैम. महाबट. प्रेजेंट मैम. सुंबल मुश्ताक. प्रेजेंट मैम. मैया सादिया. प्रेजेंट मैम. तहसीन फातिमा. प्रेजेंट मैम. आयला इमरान. तलहा अली. प्रेजेंट मैम. तहरीन जफर. प्रेजेंट मैम. दूबा बाबर. प्रेजेंट मैम. फैर अहमद. प्रेजेंट मैम. वलीद मलिक. प्रेजेंट मैम. जैनब अंसार.
Present, ma'am. Zainab Sajjad. Present, ma'am. Danish Fatima. Present, ma'am. Sameer Ahmed. Present, ma'am. Samra Mushtaq. Present, ma'am. Doha. Present, ma'am. Sunail Shahzad. Present, ma'am. Sarwar Zain. Present. Chalo, that's good. Okay. मेरे पास 108 है, ये फाइनल हो गया, एयर ड्रॉप खत्म हो गया. इस क्लास में 108 स्टूडेंट्स हैं. एलएमएस पे भी मेरे पास 108 ही शो हो रहे हैं. फाइका का प्रॉब्लम था, फाइका मैं आपको दोबारा ऐड करती हूँ, ठीक है. अच्छा, दूसरा ये कि अब हमने नेक्स्ट क्लास से कास्ट पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है. उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कोई भी आप लोगों से मैं एक या दो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से कुछ कर लिया करूंगी, ठीक है. वो आप लोग साथ के साथ पढ़ते रहो, रीड करते रहो. उससे मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जो कि आगे भी हम लोगों को समझ लो बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे, तो ताकि पता चले कि क्लास में आप पार्टिसिपेट कितना कर रहे हो, ठीक है. तो एक या दो क्वेश्चन 10 मार्क्स का रख लूंगी, और 10 मार्क्स में मैं 5-5 मार्क्स के कोई दो क्वेश्चन कर लूंगी. जितना अच्छा जो आंसर रहेगा उसके फुल मार्क्स, थोड़ा सा नई पॉइंट्स बताएगा उसके अकॉर्डिंग भी उतने मार्क्स होंगे. और 10% जो है आपके, पहले मैं 5% रख रही थी, अब मैंने 10% कर दिया इसको. मैम एक्सक्यूज मी जी, मैम कल मैंने ना केस देखा था, उसमें मतलब जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड था, तो उसमें ना वो सर बता रहे थे कि ना जो इलियम और फीमर, जो मतलब फीमर का जो हेड होता है उसकी जो लाइनिंग में बिल्कुल वो ना कोई इफ्यूजन वगैरह देखनी होती है. मैम उसका तो जरा एक्सप्लेन कर दें वो कैसे. ये सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है. नी अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हो? जी जी मैम. नी का तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ना. मैंने आपको बताया था कि हर रीजन को हमने तीन में डिवाइड किया. पहले हम उसकी अच्छे से एनाटमी पढ़ लेंगे, अब अगला हम लोगों ने स्टार्ट करना है नी से, ठीक है. लेक्चर हमारी नी एनाटमी होगा. पूरा लेक्चर जो है ना वो सिर्फ एनाटमी पे ही होगा. नी एनाटमी क्या, नी एनाटमी में क्या, अच्छा खासा लंबा लेक्चर है. पूरी नी की एनाटमी जो है हमने पढ़नी है. उसमें आपने मसल्स पढ़ने हैं, उसमें टेंडन्स पढ़ने हैं, उसमें लिगामेंट्स पढ़ने हैं, कौन से मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स, कौन से आगे फ्रंट वाले मसल्स, ठीक है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये सारे जब नी वाले हम लोगों ने एनाटमी अच्छे से पढ़ लेंगे, देन हम नी की पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है. इन्हीं से रिलेटेड क्या, ये टेंडन से रिलेटेड क्या है, लिगामेंट्स की क्या इंजरीज है, ये सारी चीजें हम पढ़ के देन फिर हम आगे जाएंगे उसकी अल्ट्रासाउंड, ठीक है. थर्ड लेक्चर हमारा होगा अल्ट्रासाउंड टेक्निक. देन हम देखेंगे कि लिगामेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, फीमर जो है वो किस तरह की नजर आ रही है, ठीक है. तो अच्छी बात है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप साथ साथ देख भी रहे हो, तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो साथ में देखोगे भी, ठीक है. तो ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, एक तो ये मैंने आपके असेसमेंट का, दूसरा ये कि हम, मैं भी अपना पूरा वर्क प्लान और उसके अलावा आपको जो है असेसमेंट प्लान है ना वो बना के ना एलएमएस पे लगा दूंगी कि हमने किस तरह इस दफा आपने असेसमेंट्स लेनी है. जिनमें से जो कुछ सेशनल्स होंगे, सेशनल्स में से मैंने एक तो आपके ये क्लास पार्टिसिपेशन 10% होगी, 10% आपके मैंने फिर असाइनमेंट रखनी है, ठीक है. ये हो गया. अब इस दफा असाइनमेंट आप लोगों ने कैसे मुझे देनी है, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स है ना, जब ईमेल आती है ना तो मुझे समझ नहीं आता. काफी स्टूडेंट्स तो अपना नाम, अपना सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखते, बस ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारा कहीं से, और जहमत भी नहीं की कि मैं अपना नाम भी लिख लूँ और कोई कोर्स लिख लूँ, कोई कुछ अच्छे तरीके से असाइनमेंट्स. फिर वो कहते हैं कि हमारे असाइनमेंट के मार्क्स बड़े कम लगा रहे थे. साफ पता चल रहा होता है कॉपी पेस्ट मारा हुआ है सबने, ठीक है, तो ऐसे ही भेज देते हैं. तो वो मुझे 108 स्टूडेंट्स की जब इस तरह ईमेल्स आएंगे ना, और बाकी क्लासेस भी हैं मेरे पास, उनके भी वो मिक्स हो जाती हैं. इस बार आपने क्या करना है कि सारी असाइनमेंट एक बच्चा को मैं आप बता दूंगी कि सब जो है ना एक बच्चे को सेंड करेंगे, ठीक. वो एक बच्चा मुझे एक फोल्डर बना के सबकी सबकी, जब 108 उसके पास हो जाएंगी देन वो मुझे ईमेल सबकी करेगा अटैचमेंट्स के साथ, ठीक है. इस तरह ये कि आपको पता होगा कि ये इसी क्लास की है, और फिर मैं एक साथ उनको चेक करना मेरे लिए इजी होगा. डेली ईमेल्स आ रही होती हैं बगैर नाम के, बगैर कोर्स के, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है उनको मार्क करना, ठीक है. 10% आपकी असाइनमेंट होगी, 10% आपकी क्लास पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है. 10% आपका मैं रखूंगी स्पॉटिंग एग्जाम, जिस तरह हमने लास्ट टाइम आपके साथ किया था ना, उसी तरह मैं जो ना कोई आपको इमेजेस दिखाऊंगी, ठीक. वो इमेजेस सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल के नहीं होंगे, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल के तो हैं थोड़े से, ये लिगामेंट है, ये जो है टेंडन है, और ये मसल है, और ये बोन है, बस ये चार चीजें तो हमें नजर
हम लोग जो है ना ओवरऑल अल्ट्रासाउंड जिस तरह हम पढ़ चुके हुए, आपने दो पढ़ लिया, रीजनल भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, आपको बस इमेजेस पता होने चाहिए। कुछ आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड इमेजेस होंगे, कुछ आपकी डायग्राम्स होंगे, जिस तरह आप नी का कोई है डायग्राम दे दी, उसमें लिगामेंट को कोई मैं बता पूछ लूंगी ये कौन सा लिगामेंट है, ये कौन सा लिगामेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये साथ साथ एनाटॉमी अच्छे से पढ़नी है और वो हम स्पॉटिंग करेंगे। स्पॉटिंग जो है वो इस दफा मैं आपको इमेजेस पहले से भेजूंगी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिया था कि ये चीजों की जो इमेजेस आप लोग देख लेना, ठीक है। इस बार सिर्फ मैं आपसे, क्योंकि आप दो पढ़ चुके हुए हो और अब जो है सिर्फ आपको इमेजेस दिखा के आप लोगों से पूछना है ये कौन सा इमेज है, वो 10% आपके स्पॉटिंग होगी, ठीक है। 40% सेशनल्स करनी है ना, तो जो बाकी 10% है वो मैं देखती हूँ उसका क्या करना है। बाकी जो 60% हो गया उसके अंदर इस बार सुनाया कि आप लोगों का, क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर पढ़ाया नहीं था, आई वॉज ऑन लीव, तो लास्ट सेमेस्टर में जो है ना मुझे पता चला है कि आप लोगों का रिटर्न एग्जाम हुआ है और अब पॉलिसी हो गई है कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें सिर्फ जो 60% है, 60% में 40% आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 20% सिर्फ वाइवा होगा, ठीक है। तो देखो अब ये यही इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, मैं वो चीज कंफर्म करके आपको फिर वो जो है ना इसी तरह, अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो वो सिनेरियो बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपने आंसर करना है, एलएमएस पे या पता नहीं जैसे भी ये लोग ले रहे हैं, मैं भी पूछती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट सेमेस्टर पढ़ाया नहीं था, ठीक हो गया। तो और 20% आपका फाइनल वाइवा होगा। जो 10% रह गए हैं ना जो आपके सेशन के, या तो वो मैं ग्रुप प्रेजेंटेशन ले लूंगी, ठीक है, या फिर मैं और उसका कोई सेशनल जो है ना इसमें इंक्लूड करूंगी, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं जरूर प्रैक्टिकल करवाती, और क्योंकि अब आप लोग दो तो पढ़ चुके हो और आपने प्रैक्टिकल्स का थोड़ा सा आपसे करवा के ना आपको एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक चीजों का पता होता है, प्रोब हैंडलिंग टेक्निक्स और नॉब्स का, कि नॉब्स किस तरह आपने कौन कौन से क्या करना है, अगर वो मैंने आपको पढ़ाया तो जरूर मैं 10% वो भी रखती उसके ना, तो लेकिन अब नहीं हो सकता। लेकिन मेरी कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले सर से मुलाकात हुई थी, तो सर ने यही बताया था कि आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन हम लोगों ने लैब बना दी है, यहाँ पे ऊपर उसमें रख दी हुई है, तो आप प्रैक्टिकल्स करवाएं। सर से मैंने पूछा था, सर मैं प्रैक्टिकल करवाना चाह रही हूँ बच्चों का, सर कहने जरूर करवाएं, लेकिन अभी आप देख लें, अभी तो नहीं, लेकिन अब एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं 10 स्टूडेंट्स का या थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स का बैच बना के ना फिर उनको बुला लेंगे, हम कम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी बुला के और उनका प्रैक्टिकल करवाएं। लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में आप लोगों को नॉट जस्ट मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड, हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, हम अपना जो जर्नल भी है होल बॉडी स्कैन जो है उसमें एब्डोमेन का और मेन मेजर जितने भी हम चीजें इस तरह नजर आती हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। अगर इस तरह नहीं तो मैं थोड़े बच्चों को बुलाकर जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि आपका फिर इसके बाद अल्ट्रासाउंड का कोई सब्जेक्ट रहेगा नहीं, सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, जनरल भी पढ़ लिए, रीजनल भी पढ़ लिए, मस्कुलर स्केलेटल भी पढ़ लिए, अब अगर रह गया तो एको रह गया मेरा ख्याल, एको पढ़ ली आप लोगों ने? नो मैम, नो मैम, एको कार्डियोग्राफी रह जाएगा सिर्फ वो, लेकिन है सिर्फ हार्ट की ना, तो प्रोब तो उसकी डिफरेंट है, अल्ट्रासाउंड मशीन तो यही यूज होगी, इसके साथ बस प्रोब लगी हुई है, लेकिन वो तो सिर्फ डेडिकेटेड हार्ट की चीजें ही हम देखेंगे, लेकिन आपको बाकी चीजों का भी पता होना चाहिए। तो और इसके अलावा किसी ने अल्ट्रासाउंड अभी तक की हो मुझे बताओ जरा, हैंड रेस करो जिस जिसने अल्ट्रासाउंड अभी तक की है, कहीं अपने ऑन पे कहीं पे, जमीद ने की है, मैमूना ने की है, ओके, रिजवान तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे कर रहे हो वहां पे सर के साथ, ठीक हो गया। देन कौन है, एहतिशाम, माशाल्लाह सबने, काफी ने की हुई है, तहसीन, फातिमा, मतलब आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रोब को जो है कैसे, सिद्रा, हामिद, ठीक है, आशिक, अच्छा बताओ आप लोगों ने किस तरह किया है, कि हॉस्पिटल में जाके कहीं ट्रेनिंग की है क्या, किस तरह हम लोगों ने प्रैक्टिस की है? हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं आप दीन है। हाँ जमीर, आपने तो मुझे बताया था, आपके अलावा बाकियों ने किस तरह इंटर्नशिप भी की है हॉस्पिटल्स में? यस मैम, मैं भी कर रहे हैं। अच्छा एक होता है इंटर्नशिप किया, हम रिपोर्टिंग सिखाते हैं पहले, वही ना वही चीज, हाथ में लेके किसने किया हुआ स्कैन, आपके हाथ में प्रोब कौन देता है, ये लो करो स्कैन,
मैम मैंने किया अल्लाह नवाज यस मैम किया आपने लेकिन मैम वो बस बेसिक वगैरह अब्डोमिन का वो मैंने किया अल्ट्रासाउंड वगैरह प्रोब भी पकड़ी सर ठीक है और टेस्ट भी हुआ है मेरा कोई चीज है कम बच्चों ने जो है ना वो प्रैक्टिकल किया हुआ है थोड़ा सा उनने भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही मेरा ख्याल है की होगी वही चीज है कि जब आपके हाथ में प्रोब आएगी ना तो काफी दुनिया ही अलग हो जाएगी जिन्होंने हाथ में लेके प्रोब किया हुआ है ना कुछ स्कैन तो उनको पता चला होगा कि कितना मुश्किल है अल्ट्रासाउंड ठीक है तो है ना जो चीजें हमें थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो और जो प्रैक्टिकल करेंगे वो बहुत मुश्किल चीज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है बस वही चीज है जिस तरह मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि ड्राइविंग वाली है कि आपको बता दें कि ये ड्राइविंग सीट पर बैठोगे ये इससे दबाने से ये होता है ये दबाने से ये होता है तो पढ़ तो लोगे जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठोगे ना तो आपको बिल्कुल ही अलग ही दुनिया लगेगी कि हो ही नहीं रहा तो सेम लाइक अल्ट्रासाउंड तो जब हाथ में कोई चीज आती है ना प्रैक्टिकल करने के लिए तो वो बहुत मुश्किल लगती है तो इसलिए आप कहीं पे भी इंटर्नशिप करने जाओगे कहीं पे भी आप सीखने जाओगे ना तो आपको मोस्टली अल्ट्रासाउंड के लिए पाकिस्तान में तो आपको दूर खड़ा कर देंगे कि चलो ऑब्जर्व करो प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं हाथ लगाने देते ना गवर्नमेंट में फिर थोड़ा बहुत ये कि किसी का रेफरेंस लग गया पेशेंट बहुत ज्यादा होता है वहां पे इस वजह से और आजकल तो कोविड की वजह से मैं तो कहती हूँ ना ही जाओ कोशिश करो अवॉइड करो और पेशेंट को ना ही मतलब आपको पता ही है आपकी प्रोब इन टच हो रही है पेशेंट के साथ आपके साथ तो कोशिश करो आजकल थोड़ा सा अवॉइड करो तो अगर सिर्फ पेशेंट जहाँ पे हो वहां ना हो आप अपना अगर प्रैक्टिकल कहीं पे कर रहे हो कहीं प्रोब हैंडलिंग कोई आपको पता चले कि आपने मूव कैसे करना है प्रोब स्लाइसिस कैसे कट होते हैं एनाटॉमी कैसे नजर आती है उसकी कैसी चीजें नजर आ रही है वो थोड़ा सा बेसिक चीज सीख लो तो वो इंशाल्लाह हम इस सेमेस्टर के एंड में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए लेकिन हालात बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे बल्कि और खराब ही हो रहे हैं जो आजकल हालात में मैंने तो सुना है कि अब तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी आके पढ़ा रहे हैं तो मैंने तो सुना है मे बी हम लोगों को भी ऑनलाइन ही घर जाके पढ़ाना पड़े लेकिन अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया लेकिन सुना है कि सब लॉकडाउन पक्का वाला लगने वाला है फिर देखो क्या होता है बस अल्लाह ताला से दुआ है कि बस अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं मैं तो सुन रही हूँ हर रोज ही ये पेशेंट कोविड से अल्लाह माफ करे डेथ हो गई है इसकी डेथ हो गई कोविड से तो आप भी अपना सेफ्टी मेजर्स पहले को SOPs को फॉलो करो ठीक है बहुत सारा ख्याल रखो अपने अपने घर वालों का ठीक है कोई क्वेश्चन मैम SAP के जो नेक्स्ट क्लास में लेंगी टेस्ट तो वो मार्क्स लगाएंगी तो प्रीवियस लेक्चर्स में से लगाएंगी तीनों जो आप पढ़ा चुके हैं अभी तक उनमें से सुनेंगी SAP के मार्क्स PP के मैम सॉरी क्लास पार्टिसिपेशन के यस मैम वो मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं ना सात शीट लेके आऊंगी आपकी जो ये नेम्स की शीट है ना उसके आगे मैं मार्क्स क्लास में ही लगा दूंगी किसी का भी नाम अनाउंस करूंगी इसी तरह क्लास में ठीक है कि आप बताओ ये ठीक है तो उससे मैं तो एक मैं आप प्रीवियस लेक्चर में से सुनेंगी या जो पीछे तीनों तीन लेक्चर जो पढ़ा चुकी हैं उन तीनों लेक्चर्स में से सुनेंगी आप तीनों जो मतलब प्रीवियसली हमने लेक्चर्स पढ़ ली हमें उनमें से ठीक है मैम थैंक यू ठीक है इस तरह आपके साथ साथ तैयारी होती जाएगी और जी मैम अगर आप प्रीवियस सारे लेक्चर सुनेंगे जब 10 लेक्चर जाएंगे तो मैम इस समय पीछे भूल जाते हैं सारे मतलब याद ही रहते हैं आपसे कह रही हूँ यही तो बात है आपने भूलना नहीं है मैंने बेसिक बेसिक चीजें पूछनी है जो कि आप ना भी याद करो ना तो आपको पता हो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड मैम हम कोशिश करेंगे ये याद रखें लेकिन मैम इन केस बात अगर ऑन द स्पॉट माइंड में चीजें नहीं आती मुझे आपको पता है वैसे भी आपको पता है मैंने मार्क्स किसके देने हैं मैंने क्लास के पार्टिसिपेशन के मार्क्स देने हैं कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में काफी स्टूडेंट्स पता है ना सोए होते हैं क्लास में सुन ही नहीं रहे हैं उनको सिर्फ मेनली उनके मार्क्स लगाने के कि वो सुन रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है वो उन्होंने कुछ उनके पल्ले पढ़ा भी है मुझे सिर्फ उनके आंसर से पता चल जाएगा कि उन्होंने लेक्चर्स लिए भी हैं कि नहीं वो सुन भी रहे थे कि नहीं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं अगर वो आंसर देंगे ना उनका पता चल जाएगा कितना को कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी ना दो मुझे कि डिट्टो वही वहां से जो है ना आपने रट्टा मार के मुझे आंसर देना है तो आपके फुल मार्क्स लगेंगे रट्टा नहीं मारा बस ये क्लास पार्टिसिपेशन की आपको समझ कितना आया है आपने ग्राफ कितना किया उस चीज को ठीक है वो पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं कि आपको समझ कितनी आती है मुझे क्या आप अपनी वर्डिंग में मुझे बताओगे
मैम मैं कहता आप स्पॉटिंग में थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक कर दें मतलब आपने क्या उसमें मतलब सोचा क्योंकि हमने प्रैक्टिकल्स तो नहीं किए बच्चों ने प्रैक्टिकल्स किए बाकी सबने तो नहीं किया हमको इमेज देखिए भी इतना ज्यादा नहीं पता चलता अल्ट्रासाउंड का मैम हम इस बार भी स्पॉटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे लास्ट टाइम आपने हमें करवाई थी देखो लास्ट टाइम तो मैंने आपको इतनी अच्छी करवा दी थी का अब तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो ही चीज आनी है कुछ बच्चों ने तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी लास्ट टाइम इनका एग्जाम लेते हुए कि उन्होंने ऐसा तुम लोगों ने एक दूसरे को बता दिया था कि मिस ने अब यही पूछना है कि मैं उसको ये पता था ना कि अगर थायराइड तो मैंने इमेज दिखाना है अगर मैं थायराइड के साथ की पीछे वाली चीज पूछ लूँ ना तो उसने बस रट्टा लगा हुआ था मिस थायराइड पूछनी है उसने उसको कही जाना थायराइड ही है मिस ये थायराइड ही है मतलब उसको पता था कि ये वाला इमेज देखना है ना वो इमेज एक दूसरे ने ग्रुप में भेजे हुए हैं मुझे जैसे नहीं पता होता तुम लोगों का ना तो एक दूसरे को वो इमेजेस मिस ये वाले इमेजेस पूछ रही है अब मैं मुझे पता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को इमेजेस शेयर किए हुए मैं उधर उससे इधर उधर की चीज पूछ रू ना तो वो बच्चा रहता है उससे पता चल जाता है कि इसके ना फिर उसको मार्क्स भी फिर मैं वैसे ही देती होती हूँ मुझे हर चीज का पता होता है ठीक है तो वो मारी जाएगा ये मिस थायराइड ही है मैंने कई 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 के मुंह से तो ये भी निकल आया था कि मिस ये वो ही है आपने उससे तो पूछा था ठीक है तो मैंने अगर थायराइड के पीछे ट्रेकिया पूछ लिया तो वो किसी को नहीं आया ठीक है अगर वो किसी से नहीं पूछती आ रही थी मैं उस इमेज के अंदर अलग चीज से पूछ लिया तो वो एक ही इमेज में बार बार पूछ रही हूँ वही मैंने चीजें आपसे बताई हुई है तो वो तो फिर एग्जाम तो ना हुआ ना वो तो फिर रट्टा हो गया एक दूसरे से पूछ के ठीक है अब तो आप लोगों ने तीन सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं अब तो आपको स्पॉटिंग पता होनी चाहिए ना नेट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल तो चीजें वो तो लेकिन ये तीनों पढ़े तो हमने ऑनलाइन ही है ना जो इमेजेस आपको तो हमने ऑनलाइन ही पढ़े मैम रीजनल आपको भी पता हमने कितनी मुश्किल से पढ़ी थी कितनी मुश्किल से पढ़ी थी मैम इतनी मुश्किल से समझ आ रही थी जनरल तो पढ़ी नहीं थी सब कुछ रीजनल में पढ़ा था मतलब रीजनल पढ़ लिया ना आप लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें इतने करवाए नहीं अभी हमने सिर्फ एसीपी वन की थी और दोबारा से और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली के हैंड ऑन प्रैक्टिस करे तो हमें आइडिया हो कि हमने क्या पढ़ना है किस तरह कौन से पढ़ाते हैं वो तो आप लोग देखोगे ना एक तो रोना शुरू कर दिया करो तुम लोग हैं करके छोटे बच्चों की तरह अब ग्रेजुएट हो रहे हो और तुम लोगों को तो फिर सारी चीजें जो है वो सामने हर चीज पढ़ा दे देते हो तुम लोग तो बुक्स नहीं पढ़ते हो बुक्स पढ़ो तो तुम लोगों को चीजें समझ नहीं आए इतनी डिटेल होती है सारे बस लगी कि फकीर है मुझे लेक्चर पढ़ लिया बस लेक्चर से ही आना है सब कुछ लेक्चर ही पढ़ना है लेक्चर इधर से उधर आ गया तो रोना शुरू आए मैं सबने तो ये पढ़ा ही नहीं था बस कंसेप्ट क्लियर रखा करो बेशक कहीं से भी आ जाए इसीलिए तो UMT का थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको पता ही है कि आप जब बाहर जाते हो तो सबसे पहले पूछते कहाँ के ग्रेजुएट हो UMT का सुनते साथ ही मैंने जो ग्रेजुएट हुए ना बच्चे उनसे सुना है वो जब फील्ड में जाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है ठीक है तो वो UMT वालों को वो दरवाजे से बाहर खड़ा कर देते हैं तो सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं है वो सिर्फ वो उतना ही जो उनको पता है बस उतना ही रट्टा मार मूर के वो पास हो जाते हैं और जो बाकी हैं वो तो कुछ भी नहीं इस तरह पढ़ाते हैं हम लोग याद है ये UHS का जो था वो तो सिर्फ पता ही नहीं होता था कहाँ से आना है बस टॉपिक पता था जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर है जहाँ मर्जी से पढ़ो जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो ठीक है कहीं से भी पेपर बन के आ जाता था किसी भी हॉस्पिटल से कोई भी डॉक्टर जिन्होंने नहीं भी पढ़ाया होता था बस ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें होती थी हम वो उस तरह देखते थे यहाँ पर तो सिर्फ ये कि लेक्चर से इधर उधर से आ गया तो बच्चे चीखे मारना शुरू हो जाते हैं बुक रीडिंग की कोई आदत नहीं है हमें भी ऐसे क्योंकि मैं बताऊँ मसला आपके साथ नहीं है मैं कहती हूँ वही मैं कहती हूँ कि मेरे लिए वो बच्चा नहीं है जिसने फुल मार्क्स लिए हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बच्चा है ठीक है जब आप फील्ड में जाओगे ना आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों ने फेस की हुई है प्रॉब्लम्स तो हम ये आपसे डिस्कस करते हैं कि जब आप फील्ड में जाओगे ना तो आपको और चीजें नजर आएंगी ठीक है और चीजें समझ आ रही होती है वो और चीज होती है और ही दुनिया होती है प्रैक्टिकल दुनिया होती है ना तो आप लोग फिर जो लेक्चर्स में से तो वो चीजें नहीं आती वो तो सिर्फ पास होने के लिए पास हो गए और ये वो चीजें तो जो बुक्स होती हैं या अपने नॉलेज जितना इंक्रीज कर सकते हो करो ठीक है तो अगर फील्ड में जाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है इन्हीं वजह से कि हमारा नॉलेज जो है वो बस थोड़ा सा ही होता है
मैम बाकी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स भी तो करते हैं. कहाँ प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, ठीक है प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने किए हैं लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक महीने के लिए किसी हॉस्पिटल भेज दिया, हम लोग जाके वहाँ पर पेशेंट्स करके आ जाते होते थे. और मैं बताऊँ हम लोगों ने भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई सीरियस नहीं लिया था, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा समझते थे कि भाई इंटर्नशिप है, घूम फिर के आ जाते थे हॉस्पिटल, ठीक है बस देखा और देख. और जब हम लोग जॉब में आए हैं, जब हमें करना पड़ा ना, फिर हम कहते थे हाय कोई सिखा दे, हाय कोई सिखा दे, हमें नहीं करना आ रहा. हमारे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं एसीपी यहां पे, ऐसे लग रहा है जैसे हम एमबीबीएस डॉक्टर हैं. क्या हो रहा है एसीपी? बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम एमबीबीएस डॉक्टर हैं. मोडलिटी कोई दिखाते ही नहीं है, मोडलिटी दिखाते ही नहीं है. यस मैम. मैं तो देखो आप लोगों की तो यहाँ पे हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं थी, मैंने तो आगे तो अल्ट्रासाउंड भी लगवा ही दिए अपनी सब्जेक्ट को, तो मैंने वो कर ही दिया. बाकी बड़ी मोडालिटीज हैं उसके लिए आपको, मैंने तो इवन बात भी की थी कि जो हॉस्पिटल आपके साथ एफिलिएट किया हुआ है वहाँ पे तो रेडियोलॉजी का कख नहीं है, एक सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है. उन्होंने भी, उनको भी नहीं पता कि यहाँ पे स्टूडेंट कौन से आते हैं एचओडी को. मैम जब हमारी बारी आई कि हम यूनिवर्सिटी से चले होंगे, वो तो अभी तो खत्म है डिग्री हमारा, हमें क्या फायदा. क्या ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे आपकी सारी मोडालिटीज हो, एंजियोग्राफी हो, आप देखो जाके कि एंजियोग्राफी कैसे हो रही है, आप देखो जाके बाकी जो एमआरआई सीटी स्कैन बड़ी जितनी मोडालिटीज हैं वो तो इधर नहीं लग सकती. लेकिन हॉस्पिटल्स आप लोगों को भेजना चाहिए, इनको रोटेशन लगा दें. एक्चुअली मसला बस इनका यही है कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एक सेमेस्टर के अंदर 100+ बच्चे हैं. तो हम लोगों के टाइम पे तो सिर्फ 20 की सीट्स होती थी और मेरिट पे हम लोग को मिलती ही होती थी सीट्स, ठीक है 20 स्टूडेंट्स होते थे, वो भी फाइनल ईयर तक बेचारे कुछ 10-12 ही रह जाते होते थे. तो वही फिर उन्हीं बच्चों को सिर्फ भेजते होते थे इंटर्नशिप करने, तो वो उस वक्त तो फायदा होता था इसी बात का. अब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल के अंदर, अगर हम एक सेमेस्टर के 200 बच्चे 100 बच्चे भेजते तो पेशेंट इधर जाएंगे, पेशेंट भाग जाना, ठीक है. जो अच्छे हॉस्पिटल्स है ना शौकत खाना वगैरह वो तो अलाउ ही नहीं करते हैं. हम लोगों ने तो वहाँ की थी, ये लोग भेजते थे इनके साथ ही. लेकिन मैं आप लोगों से भी बार बार कहती हूँ, अगर किसी का पर्सनल रेफरेंस लग सकता है तो प्लीज शौकत खानम की इंटर्नशिप ले लो. शौकत खानम का काम सीखा हुआ है, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको इतनी अच्छी जॉब मिलेगी ना, आप बाहर जाओगे, आप यूके चले जाओगे, आप बाहर वाले जो है ना वो पकड़ते ही शौकत खानम, इस्लामाबाद वाली साइड वाले लोग जो हैं वो वहाँ शिफा से देख लेना, तो शिफा में उनको इंटर्नशिप मिलती है, ठीक है. और शौकत खानम के अंदर के जो है ना वो सारे जो है ना क्या कहते हैं उनको, इतना अच्छा उनका सिस्टम है कि आपको समझ आएगा. आप इंटर्नशिप किसी तरह कर लो, उनकी गर्मियों में ना समर्स में इंटर्नशिप्स होती है, वैसे अप्लाई करके देखो, किसी का रेफरेंस लगता है तो उससे कर लो. अगर वैसे अप्लाई करके हो जाए तो मेरे लिए वो बच्चा बहुत अच्छा है, अगर जिसने शौकत खानम में इंटर्नशिप कर ली है, ठीक है. अच्छे हॉस्पिटल्स की इंटर्नशिप करोगे आपको भी फायदा होगा, आपको चीजें समझ आएंगी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सब चीजें जो है वो देख रहे होते हैं. और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने शौकत खानम पर इंटर्नशिप कर लिया है या आपको जॉब मिल गई है तो आप सीधा यूके वहीं से जाओगे. मैम न्यू हॉस्पिटल कैसा है इंटर्नशिप के लिए? न्यू हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है आप ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हो, सीख सकते हो काम, अगर वो आपको दे रहे हैं अलाउ कर रहे हैं सारा. गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल हैं जिना हो गया जनरल हो गया ये काम सीखने के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी पेशेंट की ना, बहुत पेशेंट होता है, हर तरह का पेशेंट मिलेगा, तो आपको ना काम अच्छा मतलब समझ आएगी कि डिफरेंट पेशेंट आ रहे हैं इस डिजीज के साथ भी. आपने नहीं देखे होंगे प्राइवेट में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं और वो भी आपको कभी हाथ नहीं लगाने देंगे जो अगर आप वहाँ जाके करते हो ना. तो ठीक है इंशाल्लाह हम अपना भी सेंटर बनाते हैं कोई अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग का, ठीक है. क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे ना आपको हाथ नहीं लगाने देंगे, एटलीस्ट इस तरह का कोई सेंटर बनाए हम लोग के पेशेंट को वो अलाउ करें, सॉरी स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो पेशेंट का स्कैन खुद से करें और वो उनके साथ. तो मेरा इंशाल्लाह प्लान है अपकमिंग मंथ्स में, ये कोविड की वजह से स्टॉप हो गया तो मैं ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए ही सारा करूँगी और वहाँ पे पेशेंट्स जो होंगे हमारे पास फ्री होंगे
ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए. मेरा मेन फोकस स्टूडेंट्स है कि स्टूडेंट सीखे हमसे, और जो है क्या कहते हैं पेशेंट जो है ना, अगर फ्री होंगे ना तो वो हमारे पास आराम से करवाएंगे भी, कि स्टूडेंट्स हैं सीख रहे हैं वो चुप करके करवाते रहे, ठीक है. और आप लोगों को सीखने का मौका मिल जाएगा, आप लोग सीख सकोगे. आप उनका अगर टाइम भी लगा रहे हो ना तो अगर कोई पे करके आए ना पेशेंट, वो आपके दो लगाएगा कि बस कर दो, क्या मेरे ऊपर दो घंटे से सीखी जा रहे हैं, ठीक है. तो फ्री पेशेंट रखेंगे ताकि पेशेंट्स भी हमारे पास जो ऐसे इलाके में कि ज्यादातर पेशेंट्स आए और स्टूडेंट्स जो है वो सीखे, ठीक है. वरना तो हर जगह पे सिखाने वाला कोई सीन नहीं है कहीं पर भी, ठीक है. फिर इंशाल्लाह हम असेसमेंट में प्लान जो है वो लगा दूंगी वहां पे, और आप लोग तैयार रहना आप अपने क्लास पार्टिसिपेशन के लिए, साथ साथ देखो. और कभी भी किसी भी टाइम में, ये नहीं कह रही कि बस नेक्स्ट लेक्चर से ही मैं स्टार्ट कर दूंगी, कभी भी किसी से मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो बस अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर रखना, ठीक है. चलो क्लास का टाइम खत्म हो गया, गुड नाइट. है गुड नाइट जी मैम, अभी सोना है मैम हमने. चलो सो जाओ, ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.